राहुल तेवतिया नाम तो सुना ही होगा। आईपीएल 2020 में इन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए कई चमत्कारिक पारियां खेली और हार के किनारे से जीत दिला दी। अब सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इन्होंने हरियाणा के लिए ऐसा ही कारनामा किया है। दिल्ली के खिलाफ मुकाबले में 183 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए तेवतिया ने 16 गेंद में 3 चौके और 2 छक्के लगाकर नाबाद 31 रन बनाए। साथ ही विकेटकीपर रोहित शर्मा ने भी ताबड़तोड़ अंदाज में 21 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्के के सहारे नाबाद 48 रन ठोके। इन दोनों की बैटिंग के चलते हरियाणा ने लक्ष्य को 10 गेंद रहते ही हासिल कर लिया। दिल्ली के नीतीश राणा और हितेन दलाल की आतिशी पारी के बूते 4 विकेट पर 182 रन बनाए थे। यह दिल्ली की लगातार दूसरी हार है। उसे पिछले मैच में केरल ने हराया था। हरियाणा के कप्तान मोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी की। उन्होंने पहले ही ओवर में टीम को कामयाबी दिलाई। दिल्ली के कप्तान शिखर धवन तीसरी ही गेंद पर बोल्ड हो गए, लेकिन इसके बाद दिल्ली के बल्लेबाजों ने खूब मौज उड़ाई। हितेन दलाल ने 3 छक्के और इतने ही चौके लगाए। वहीं नीतीश राणा ने 11 चौके और 2 छक्के की मदद से 34 गेंद में 66 रन। अनुज रावत ने 26 गेंद में 2 चौके और 2 छक्के की मदद से नाबाद 34 रन बना लिया। ललित यादव वहीं 14 गेंद में 1 चौके और 2 छक्के के सहारे से 23 रन की पारी खेली। इन पारियों के बूते दिल्ली ने 4 विकेट पे 182 रन बनाए, लेकिन हरियाणा के लिए मोहित शर्मा, अरुण छपराना, जयंत यादव, राहुल तेवतिया को एक एक विकेट मिला। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हरियाणा की शुरुआत अच्छी नहीं। अरुण छपराना और हिमांशु राणा 38 रन के केवल स्कोर तक वापस लौट गए। इसके बाद चैतन्य विश्नोई और शिवम चौहान ने पारी को संभाला। दोनों स्कोर को 100 रन तक ले गए, लेकिन दिल्ली के ललित यादव ने फिर से वापसी कराई। उन्होंने 11 रन के अंदर 3 विकेट हरियाणा को बैकफुट धकेल दिया। ऐसे में रोहित शर्मा और राहुल तेवतिया दोनों क्रीज पर आए। उस समय हरियाणा को 48 गेंदों में 78 रन की जरूरत थी। रोहित शर्मा और राहुल तेवतिया की जवाबी हमला बोला और दिल्ली की जीत की उम्मीदें तोड़ दी। दोनों ने 38 गेंद में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया। इसके साथ ही हरियाणा ने लगातार 4th जीत हासिल की और टीम को अगले राउंड तक पहुंचाने का फैसला तय किया।